हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका द अनजूस किचन में आज अंजूस किचन में मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही लेकिन हाँ ये एक झाड़ू है इसका रिव्यू आपको दूंगी और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है तो ये मैंने इस तरीके से अमेजोन से ऑर्डर किया था और ये इसका डस्ट पैन है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और ये साथ में इंस्ट्रक्शन मैनुअल है इसमें लिखा हुआ है किस तरीके से इसको हमें असेंबल करना है बहुत ही आसानी से हम इसको असेंबल कर सकते हैं और ये इसका मेन पार्ट है ये ब्रश है और इसके पीछे हैंडल्स हैं और उनको हैंडल्स को हमें इसमें फिट करना होगा तो ये तीन बहुत ही स्टर्डी से काफ़ी मजबूत हैंडल्स हैं ये इस तरीके से हैं ये देखिए और ये मेटल के हैं प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं है ये मेटल के हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और ये सारा है इनको अब अटैचमेंट करनी है हमें तो ये ब्रश है इसमें इस तरीके से हम स्क्रू के जैसा बना हुआ है इस तरीके से इसमें ये वाला एक हैंडल लगा लेंगे और काफ़ी बहुत ही अच्छा मज़बूत है आप दूसरा इसके ऊपर अटैचमेंट लगाएंगे ये देखिए इस तरीके से इसमें चूड़ियाँ बनी हुई हैं स्क्रू इसको आसानी से ये घूम जाता है और इस तरीके से टाइट कर देंगे इसको एक बच्चा भी आराम से झाड़ू को तैयार कर सकता है ब्रश वाले झाड़ू को ये इसका टॉप पार्ट है और इस तरीके से इसमें हम इसको लगा देंगे तो ऊपर का जो टॉप पार्ट है इसमें हम इसको हैंग भी कर सकते हैं टांग के रख सकते हैं तो ये हमारा जो ब्रश वाला झाड़ू है बिल्कुल बनके तैयार है ये डस्ट पैन है और ये देखिए काफ़ी अच्छी इसकी लेंथ है तो अच्छी हाइट वाले के लिए भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही कन्वीनियंट है झाड़ू लगाने के लिए तो ये इस तरीके से इसमें ये देखिए डस्ट पैन के साथ ही ऐसे अटैच हो जाता है तो ये बिल्कुल भी इधर से उधर घूमेगा नहीं और बहुत ही आसानी से साथ में है तो हम बड़ी आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये इस तरीके से निकलेगा बहुत ही आसानी से और ये जो इसके ब्रश हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और जो इसके ब्रश हैं ये ब्रिसल्स जो हैं ब्रश के बहुत ही मज़बूत हैं और ये अभी आपको मैं दिखाती हूँ तो ये देखिए ये इस तरीके से हम इसको फ्लोर पे भी अच्छे से लगा सकते हैं ये फुट मैट है इस फुट मैट में भी हम बहुत अच्छे से झाड़ू लगा सकते हैं और ये कारपेट है कारपेट में भी लगी हुई जो भी धूल मिट्टी होती है उसको अच्छे से ये निकाल देता है और ये ये देखिए कितने अच्छे से ये सारे जो इसमें डस्ट है उसको ज़मीन से भी कितने अच्छे से ये निकाल रहा है और इसमें बड़ी आसानी से जो इसके साथ डस्ट पैन मिला है इस डस्ट पैन में ये सारा कचरा सारा धूल मिट्टी इसमें इकट्ठा कर लो तो ये बहुत ही यूजफुल झाड़ू है बहुत सही